आ गए आप? मामा। हाँ ये देखो कैसी लगी? बहुत सुंदर। आओ, कुछ दिनों से देख रही हूं मैं, आप खुश नहीं हैं। कोई बात है जो मन में आप? मन कैसे खुश हो सकता है भामा? तुम देखो ना यहाँ क्या हो रहा है। तात्या को विद्यालय से बाहर बैठना पड़ रहा है, जिपरी के अलावा उससे कोई बात नहीं करता है। अप्पा पाटिल जी को उनकी फसल काटनी है, लेकिन कोई उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं। यहां तक कि साई को भी कोई भिक्षा नहीं दे रहा है। सभी अच्छे लोगों के साथ बुरा हो रहा है। बुरा तो अच्छे लोगों के साथ होता ही आया है, भले वो राम हो, सीता हो, लक्ष्मण हो या उर्मिला। पांडवों को भी धर्म का साथ देने के लिए क्या कुछ नहीं भुगतना पड़ा। मैं तब नहीं था भामा, पर अब हूं। यहां हूं मैं और कुछ कर सकता हूं मैं, पर न जाने क्यों इतना डरता हूं मैं, क्यों इतना असहाय महसूस करता हूं भामा। क्यों ना हम साईं और रानू जी को भोजन पहुंचा दें? ये क्या कह रहे हैं आप? हम ऐसा नहीं कर सकते। किसी ने देख लिया तो आप जानते हैं ना हमारे साथ क्या होगा। साईं से मिले बगैर अगर उन तक भोजन पहुंचा दूं तो? माधव, मैं कैसे पता चला कि मैंने देखा? बाहर आओ माधव। खाना देना भी चाहते हो और लेने वाले की इज्जत भी नहीं करना चाहते, किसी की सहायता करना चाहते हो तो सबसे पहले सहायता करने की हिम्मत रखो, तभी किसी और की सहायता करके सम्मान दे सकोगे। मैं ये भोजन नहीं ले सकता। मुझे माफ कर दीजिए साईं, मुझसे भूल हो गई। मैं ये बात हमेशा याद रखूंगा। अरे आओ आओ सब देखो, शक्तिशालियों में सबसे शक्तिशाली कौन? शिरडी के एकमात्र वैद्य, शिरडी के कर्ता धर्ता, आदरणीय कुलकर्णी सरकार द्वारा आयोजित इस मुद्गल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है।
हरिओम। एक नजर डालते हैं हमारे पहलवानों पर। यह है शिरडी के अंता पहलवान और ये नगर से आए मोहम्मद पहलवान और ये शेगांव से आए पाषाण पहलवान और ये नासिक से आए कल्लू पहलवान। हरिओम। इस प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले को चांदी के 100 सिक्के मिलेंगे और हारने वाले को चौक को गोबर से पोतना होगा। साई कहते हैं शक्ति शरीर से नहीं होती है, और अगर ये बात सच है तो आज अंटा जी को उसके किए का दंड मिलेगा, मेरे साई का अपमान करने का दंड मिलेगा। प्रतियोगिता आरंभ की जाए। तो अब आ रहे हैं हमारे पहले प्रतियोगी कल्लू पहलवान जी। आइए, स्वागत है आपका। देखते हैं क्या ये उठा पाते हैं या नहीं। तो दोस्तों, अब आ रहे हैं वो जिनसे आप सभी को सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं, आपकी अपनी शिरडी के पहलवान अंता पहलवान जी। तालियां। इसको तो मैं बाएं हाथ से उठा ही लूंगा। आज तो चौक पर गोबर अंता जी ही लिपेंगे, साई कृपा। यशस्वी भव। हरिओम। तालियां अंता जी के लिए। अब ये 50 किलो का मुद्गल उठाएंगे। अब अंता जी दोनों हाथों से ये वजन उठाएंगे। तालियां। दोनों हाथों से। हाँ। कितने भी हाथ लगा लो अंता जी, आज तो आपका घमंड टूट के रहेगा। अरे मूर्ख, भोजन नहीं किया क्या? मेरे साईं का अपमान करने चले थे ना, उठाओ उठाओ। लगता है वजन बहुत ज्यादा है, तो हम अंता पहलवान के लिए वजन थोड़ा घटाएंगे। तालियां। ये मुझसे उठा क्यों नहीं? आज तो आप सबसे हल्का वाला भी नहीं उठा पाओगे अंता जी। क्या हो गया अंता जी को? साई नाम ने ही फुस कर दिया अंता पहलवान को। बेचारे, पता नहीं आज क्या होगा उनका। लगता है अंता पहलवान के लिए भार और भी हल्का करना पड़ेगा। मुझे साई पर पूरा भरोसा था, मिला ना उनका अपमान करने का दंड। और करो साई का अपमान। क्या अंता जी की यार साई की वजह से हुई है?
सुन रहे हैं अंता जी, बच्चे क्या बात कर रहे हैं? साई की वजह से हुआ है ये सब? हाँ, ये सब साई की ही कृपा है। अरे संभल के आई लिया ताई। कैसी हो? मैं अच्छी हूँ भाई जाक्का, आपने मटका गिरने से बचाया, नहीं तो सारा पानी गिर। मौसी अब तो वैसे भी ये सारा पानी गिराना पड़ेगा, और एक तो वो रोक फैलने का डर, कुलकर्णी सरकार भी शायद गुस्सा हो जाएंगे। गांव के सभी लोग यहाँ पानी भरने आते हैं, इसलिए आप यहाँ पानी भरने मत आइए। अगर किसी ने आपके साथ खड़ा हमें यहाँ देख लिया ना, तो हमारे साथ भी अच्छा नहीं होगा। यही तो एक कुआ है जहां से पानी मिलता है, यहाँ नहीं आऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? घर में एक बूंद पानी नहीं है, अब क्या होगा? हमेशा से होता आया है कि समाज में हर बड़ा फैसला पुरुष ही लेता है। दो राजाओं के बीच युद्ध, दो समुदाय के बीच का झगड़ा, या किसी गांव में अहंकार की लड़ाई, फैसला हमेशा पुरुष का ही होता है। लेकिन ऐसे हर फैसले में भुगतने वाली स्त्री हो। बायजा माँ जैसी पवित्र आत्मा को पूरे गांव में भटकना पड़ता है ताकि उसके घर पानी आ सके, ताकि उसके घर का अनाज कुछ दिन और चल सके। वो खुद भूखी रह लेती है, प्यासी रह लेती है, लेकिन कभी किसी से कुछ नहीं कहती। सुख दुख आने जाने धूप और साए, बाबराय मनवा तेरा उलझ न जाए, मन में आशा के दीपक बुझने न पाए, सुबह फिर से गांव के पाटलिन की दशा देखो। माँ कहता है वो इन्हें, माँ मानता तो इन्हें संकट में ना डाल के कब का चला गया होता यहाँ से।
कुछ नहीं होगा, साई है ना, वो आपको कुछ नहीं होने देंगे, सब ठीक हो जाएगा। जब जीवन में दुख का नियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से रुक जाओ। आज से तुम्हें इसका भोजन मिलेगा और तुम्हें इसका भोजन। अयो क्योंकि तुम केवल देखने में पहलवान हो लेकिन अंदर से खोखले हो, खोखले। हरिओम हरिओम। प्रतियोगिता में तूने केवल मेरा नहीं पूरे गांव का अपमान किया है अंता। तुम केवल ये उठाने के योग्य हो इसे। सरकार मेरा विश्वास कीजिए, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं थी, मुझ में ताकत भी भरपूर थी, लेकिन अचानक कुछ हुआ। मुझे लगा कि उस ढोंगी साई ने कोई जादू किया है। अचानक वो वजन इतना बढ़ गया कि मुझे लगा मैं पहाड़ उठा रहा हूं। चुप बैठो। हरि ओम। अगर कहानी ही बुननी है ना तो ऐसी बुन जो सच्ची लगे। वो साई तो तुम्हारे आस पास भी नहीं था। क्या कहना है तुम्हारा कि वो इतना पहुंचा हुआ सिद्ध पुरुष है कि खंडर में बैठ बैठ के ये सब कर लेगा। सरकार अब जिसकी कहे मैं उसकी कसम खा सकता हूं, मैं आपकी कसम खा सकता हूं सरकार, इसमें जरूर वो साईं का हाथ है। तभी तो झिपरी बोल रही थी साईं के अपमान का दंड, साईं के अपमान का दंड। यही नहीं सरकार, वो कह रही थी कि साईं नाम ने ही अंता पहलवान को फूस कर दिया। अच्छा वो चौक में खड़ी रहकर सबके सामने ये सब कुछ कह रही थी, तब तुम क्या कर रहे थे? उसे रोका क्यों नहीं? कहीं तुम दोनों को उस पर विश्वास तो नहीं होने लगा उस ढोंगी पर? अरे उसका पाखंड मैं सबके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं और तुम दोनों मोर ये सोच रहे हो कि साई का नाम लेने से ही सब कुछ खुश हो सकता है। हरिओम हरिओम। देवा जी सरकार। इन दोनों के थाल उठाओ, अंदर लेके जाओ। तुम दोनों पोषण करने के बिल्कुल योग्य नहीं हो। जाओ। हरिओम। अब कैसे हैं आप बाईजाक का? ठीक हूँ। चल अब तू जा, मैं देखती हूँ कहाँ से पानी ला सकती हूँ।
ये हमारे कुएं का पानी है, आप तात्या के लिए ले जाइए। लेकिन वो कुआ गांव के अछूत लोगों के लिए है, उसका पानी आप चलेगा आपको? ओ कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है, जो कुछ है हाथ में तेरे यही फल है, अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ। इससे मीठा पानी मैंने आज तक नहीं पिया है, है ना? तो बस अब रोज मैं आपके लिए पानी लेकर आऊंगी, तो आपको धूप में चलने की जरूरत नहीं है। नहीं जिपरी, तू पहले ही इतनी मेहनत करती है, अपनी आई को मदद करती है उपले बनाने में, फिर घर की साफ सफाई भी तो करती है, तो जो समय बचेगा तू सिर्फ पढ़ाई करेगी, समझी? जिपरी तू खूब पढ़, मन लगा कर मेहनत कर और बहुत बड़ी बनना। क्या बनूंगी मैं? हम सबसे भी बड़ी, कुलकर्णी सरकार से भी बड़ी। कोई अफसर होता है जैसे, जो लोगों के दुखों को समझे, जो औरतों की तकलीफों को समझे और उसे लोगों को समझा भी सके। आपको लगता है मैं ऐसे कुछ बन सकती हूँ? क्यों नहीं, लेकिन माँ तो सोचती है मैं विद्यालय में मस्ती करने के लिए जाती हूँ। छिपरी तू खुद पे विश्वास रख कि तू वो बन के रहेगी जो तू बनना चाहती है, वो नहीं जो ये समाज एक औरत को बनाना चाहता है। स्त्रियों का त्याग, उनकी मेहनत हमेशा से समाज की आधारशिला रही है और समाज को स्थिरता प्रदान करने वाली निस्वार्थ स्त्री जब जब बड़े फैसले में सहभागी होगी, तब तब समाज उन्नति की सही परिभाषा समझेगा, प्रगति की सही परिभाषा समझेगा। पता नहीं कि मेरा दिल कह रहा है जीव, अगली बार तुम आओगी ना तो तुम्हारी गोद भरी हुई होगी। केशव बेटा, तुम्हारी बुआ जा रही है, ध्यान रखना। हाँ बुआ जी, आप भी अपना ध्यान रखिएगा। चलो शारदा, अब तुम्हारा काम भी हल्का हो जाएगा, यही सोच रही हो ना तुम? जी हाँ। हाँ? मेरा मतलब जी नहीं। सब ऐसे मुस्कुरा मुस्कुरा कर विदा कर रहे हैं, किसी के मुंह से एक बार भी नहीं निकला कि चू कुछ दिन और रुक जाओ। चलो सुनो। हाँ दादा। कैसे जा रहे हो? कोई बैलगाड़ी देखता हूं बाजार में। बैलगाड़ी? मेरी बहन को बैलगाड़ी में लेके जाओगे तुम? देवा जी सरकार।
घोड़ा गाड़ी की व्यवस्था करो। जी। हरिओम। जितना पानी मिला है अब इसी में काम चलाना पड़ेगा, लेकिन चलाएंगे, गुजारा करेंगे। अगर साई का साथ देने के लिए प्यासा रहना पड़ा तो रहेंगे, क्योंकि जो साई का मार्ग है वही असली धर्म का मार्ग है, मानवता का मार्ग है। उसके लिए कोई भी मूल्य बड़ा नहीं। बायजा मां, तुम्हारे बारे में सोचते हुए आ रही थी और तुम यहां। तुमने सोचा और मैं आ गया। बायजा मां, बड़ी प्यास लगी है, अपने बेटे को पानी नहीं पिलाओगी? जानते हो इस मटके में पानी कम है, और वो मैं तुम्हें दूंगी या नहीं इसी बात की परीक्षा ले रहे हो ना। सब समझती हूं मैं, जितनी भी प्यास है पी लो। वो कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे यही पल है, अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओ साईं, ओ साईं, ओ साईं। अब तृप्ति मिली, माँ के हाथ से पानी पी के चलता हूँ भाई साहब। पानी ले आई हो? गर्मी बहुत है, संभल के खर्च करना। सबसे पहले मुझे नींबू शरबत बना के दे दे। राम 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 राम। नींबू शरबत कैसे बनाऊंगी, राय से क्या कहूंगी? साई का तो नाम सुनते ही वो, और तात्या भी अभी खेल कर आ रहा होगा, वो भी आते ही पानी मांगेगा। क्या कहूंगी उससे कि एक बेटे को इसलिए प्यासा रहना पड़ेगा क्योंकि उसकी माँ ने सारा पानी दूसरे बेटे को पिला दिया। से पानी में ना तो मैं आई के लिए नींबू शरबत बना पाऊंगी, ना तात्या की प्यास बुझेगी। ये पानी मैं तुलसी को ही चढ़ा देती हूँ, कम से कम ये तो नहीं मुरझाएगी। खत्म हो गया था, फिर ये हाँ।
ये तो कम ही नहीं हो रहा है। इतना पानी चढ़ाने के बाद भी। अरे अरे क्या कर रही हो? सारा पानी ऐसे ही बहा दोगी क्या? घर वालों को प्यासा मानना चाहती हो? मेरा नींबू शरबत कहाँ है? अभी लाई आई। पीने के लिए घर में पानी नहीं है, आंखों में समंदर लिए घूमती है। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.